हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट की वीडियो में हम दो बार देखने जा रहे हैं जेई मेन का एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए आज के इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं भैया। क्वेश्चन से बोला क्या गया भैया, ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एब्सॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी एक्स इनटू 10^-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एक्साइटेड टू ए हायर एनर्जी स्टेट एयर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द वैल्यू ऑफ एक्स इज 286। क्वेश्चन आया है जेई मेन 2022 का, तो भैया अभी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो करते सॉल्व कैसे, आंसर आया इसका करेक्ट देखते हैं आज किस वीडियो पर आपको दे रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको क्या काम करना है भैया, जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको भी छोटे से काम करना है भैया, जल्दी से आगे वीडियो को लाइक ठोक देना है। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स अब जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं और इसका एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं, इससे कि हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और फिर जो हमसे पूछा गया उसको भी लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बस देख क्या रखा है भैया, हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है हमसे, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। और ये हमारे पास ये रखा भैया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, पहली एक्साइटेड स्टेट में ये है हमारे पास। क्वेश्चन में गिवन है, अब पहली एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इज़ इक्वल्स टू, इसको भी समझाऊंगा कि ये n इज़ इक्वल्स टू कैसे हो गया, ठीक है। और हमारे पास एक फोटोन है, ठीक है, जिसकी एनर्जी e है और ये बस दे रखी है x इंटू 10^-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर जो x है ना, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब जो ये हाइड्रोजन एटम है, जो ये हाइड्रोजन एटम है, इसको हमने क्या किया, इस फोटोन से एनर्जी दी, जो फोटोन की जो एनर्जी है ना, क्या किया ये फोटोन इससे आगे टकराया और जो हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था, अब ये कुछ और एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ये और ज़्यादा एक्साइट हो चुका है, एक्साइटेड और ज़्यादा हो गया। यहाँ पर जो इसकी n है ना, वो हमें पता नहीं है, तो n इक्वल्स टू n में लिख दिया यहाँ पर, जब पता चलेगी देख लेंगे। जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है इस एक्साइटेड स्टेट में, वो हमारे पास है 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। जो पूछा गया उसको भी लिख लेते हैं, देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बता दो भैया, सिंपल बात भूली जा रही है। तो डायग्राम बना लेते इसको पहले। तो देखिए ये पास क्या है भैया, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये इसकी पहली ऑर्बिट, ये इसकी दूसरी ऑर्बिट और ये इसकी तीसरी ऑर्बिट, हम तीन ही बनाते हैं, एंड ये वन है, ये टू है और ये थ्री है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का सिंपल सा मतलब है कि भैया पहली एक्साइट हुई है, तो मतलब पहले एक्साइट कब होगी, जब वो ग्राउंड में होगा। ग्राउंड के बाद जो पहले एक्साइटेशन होगी तो वो किसमें हो सकती है, वो जब फर्स्ट होती है ग्राउंड, तो n इज इक्वल टू 1, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड क्या होगा भैया, n इज इक्वल टू 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 लिख दिया, देखिए फर्स्ट का मतलब, ठीक है। तो अभी आप देख लेना, ये बस ग्राउंड होता है, ग्राउंड में पड़ा था लेकिन पहले से ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ पर बस जो है इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब हमने क्या किया भैया, आया बाहर से फोटोन, ये है हमारे पास भैया फोटोन, ये आया भैया भगा 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 धैर इलेक्ट्रॉन में, मारे टक्कर मारी इसने इलेक्ट्रॉन में टक्कर मारी, इसकी जो एनर्जी थी वो कुछ x इंटू 10^-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इसने इस एनर्जी को इसको दिया टक्कर मारी, तो अब ये इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ से आके यहाँ पे आ गया या फिर कोई और एक्साइटेड स्टेट में आ गया, और जो है तो यहाँ पर कहीं आ गया एक्साइटेड स्टेट में। अब ये मेरे पास लेट से ये nth है, ठीक है, ये nth है, nth तो यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन, अब बैठा है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है ये रही, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी दे रखी है, ये पास दे रखी है 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये एक्साइटेड हुआ पड़ा है। अब हमसे जो पूछा गया है वो सिंपल बात पूछी गई, जो एक्स ये जो फोटोन आया था ना, जिसकी जो एनर्जी थी वो कितनी थी, इसकी एनर्जी थी मेरे पास में एक्स इंटू 10^-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो एक्स था ना, ये एक्स बता दो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भग गया भैया, इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो गई है, ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूरा बात हो रही है। फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो रिलेशन पता होने चाहिए, तो कौन कौन से है भैया उनको लिख लेते हैं। वी नो हमें दो रिलेशन पता है भैया, सिंपल है, जब भी इलेक्ट्रॉन की बात चलती है मॉडर्न फिजिक्स में, टोटल एनर्जी जो होता है ना वो पोटेंशियल एनर्जी के अपॉन 2 होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, ठीक है। एंड एक और आपको बताना चाहिए एनर्जी, ई एनथ, एनथ ऑर्बिट पे अगर आपको एनर्जी देखना है, ये होता है मेरे पास माइनस में 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना स्पेशल केस है, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रही है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए ये है हमारे पास, कोई और एटम होगा तो उसके लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पर जेड और होता है, वो जेड आपको लिखना होगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन में जेड वन होता है तो उसकी वैल्यू जरूरत होती ही नहीं है। तो ये तो एक बार पता होना चाहिए टोटल एनर्जी और ये एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये दोनों चीज आपको बताना चाहिए, फिर आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब बस देख क्या रखा था, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी थी जहाँ पे एक्साइटेड हुआ पड़ा था इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो हम इससे क्या करते हैं भैया, इससे हम निकालते हैं पहले टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी मेरे पास कितनी आ गई, टोटल एनर्जी ऑफ
इलेक्ट्रॉन, जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी आ गई भैया, वो आ गई पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में टू, दैट इज मेरे पास कितनी हो गई पोटेंशियल, मेरे पास कितनी है तो 1.08 अपॉन में टू, तो ये बस कितनी आ गई यहाँ से, ये आ गई मेरे पास में माइनस के 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये माइनस कहाँ से आ गया, तो मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि यहाँ पर ये माइनस भी होता है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टू, तो यहाँ पर ये माइनस का होता है साइन, यहाँ पर इसलिए माइनस आया है, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए पूरा रिलेशन, ये आपको समझ आ गया। अगर ये आपको इतनी बात समझ आ रही है, अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी हमें मिल चुकी है तो हम डेल्टा ही निकाल सकते हैं। डेल्टा ही क्या हो जाएगा मेरे पास में, ई फाइनल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा है, ठीक है, माइनस में ई इनिशियल जो कि हमें निकालना है, ये बस कितना हो जाएगा फाइनल मेरे पास कितना, ये आ गए 0.544 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखना डेल्टा ही जो हम निकाल दिए हैं। माइनस में क्या हो जाएगा 13.6 इसको डाल देते हैं, माइनस में 13.6, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस होगा अपॉन में क्या हो जाएगा भैया एन स्क्वायर, अब एन कितना है मेरे पास, एन हमने देख लिया टू, तो इसका 2 का स्क्वायर हो गया, समझ आ गया। एक तो माइनस ऑलरेडी है ये, और इसका माइनस भी है, तो 2 माइनस है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, तो इसका अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास में 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बस वैल्यू आ चुकी है डेल्टा ई की, किसकी, डेल्टा ई की। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, क्या भाई क्या बात समझनी है, तो सिंपल है, देखिए इलेक्ट्रॉन पड़ा था अपन नॉर्मल यहाँ पर, और यहाँ पर हमने एक्साइट किया, भैया एक्साइट किसने किया, कुछ एनर्जी है उसने तो एक्साइट किया, अब वो ये एनर्जी है डेल्टा ई, जितनी एनर्जी आई थी ना वो ये एनर्जी है, अब ये एनर्जी है तो हमें बस क्वेश्चन में क्या थे, वो फोटोन था, फोटोन की इतनी एनर्जी है, तो इसको मैं कंपेयर करूँ तो ये बस एक्स इंटू 10^-2 से इसको मैं कंपेयर करता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही, ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं इसको, यहाँ से अगर इसको कंपेयर करता हूँ तो 10^-2 है, यहाँ पर भी लाना पड़ेगा, तो 286 × 10^-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एक्स इंटू 10^-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब कट गया, एक्स वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 286, तो एक्स वैल्यू मेरे पास 286 आ चुकी है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन अप्रोच करना था, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपको डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो को नीचे जाके मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका जो डाटा होगा उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं जो सोल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए बड़ा छोटा काम करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे ले आना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट पोस्टर के साथ, टिल देन बाय बाय टाटा।